जय हिंद दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ज्ञान सेल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप एक ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेसिकली ये बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। मैं आपसे टारगेट रख रहा हूँ इस वीडियो के लिए 1000 लाइक्स का, तो उम्मीद करते हैं आप इसको अचीव करवा देंगे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक ये गुड न्यूज़ पहुँच जाए, ये आपका काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं दोस्तों, इंडिया में अगर आप ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को आपको मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको पता है कि आपको RTO में गाड़ियाँ ड्राइविंग करके दिखानी होती है। इसके लिए ये दो इसमें तरीके हैं, या तो आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग करके आएँ, सर्टिफिकेट लेकर आएँ तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता है, और अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो टेस्ट देने के लिए कुछ नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। अब आप अपनी मर्जी से ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ, गुड न्यूज है ये। अब मर्जी इसमें क्या है कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, ऐसा क्या है कि पहले जो इंडिया में रूल्स थे, या रूल्स अभी भी हैं बाकी के राज्यों में, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये अब दिल्ली NCR में लागू कर दिए गए हैं, और ये PPP प्रोजेक्ट के रूप में लागू किए गए हैं, और ये जल्द ही ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिए जाएंगे। एक बार ये टेस्ट जो रूल्स है वो सफलतापूर्वक अगर लॉन्च करके उसको अगर देखा गया कि वहाँ पर कामयाबी मिलती है तो इसको जल्द ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। ये रूल्स ये है कि आप अपनी मर्जी से यानी अपनी सहूलियत से ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन वो नौकरी पेशा हैं, कुछ न कुछ बिजनेस है, रोज़गार है, या जॉब है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो, तो उनको समय नहीं मिलता है दिनों में। क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं वो दिन में होते हैं, रात में नहीं होते हैं। तो इसी में परिवर्तन किया गया है। अब नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि वो अपने हिसाब से रात्रि में भी स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ड्राइविंग टेस्ट के लिए रात में भी टेस्ट दे सकते हैं। अब होगा ये कि अब आपके पास अगर जैसे कि दिन में समय नहीं है तो अब रात में लगभग 7 बजे से ये 5 बजे से स्लॉट्स ओपन होंगे जो नाइट शिफ्ट के होंगे। 5 से 7 में पहला स्लॉट अवेलेबल होगा और नेक्स्ट जो स्लॉट होगा वो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होगा। तो आप इन दोनों में से शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और आसानी से RTO में अपनी गाड़ी को लेकर जाइए, टेस्ट दीजिए, पास हो जाइए, अपने घर जाइए। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर फैसला किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आप इस फैसले से क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन बताइए। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे RTO में अगर जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए नाइट के अलावा जो संडे होते हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे स्लॉट्स, तो वहाँ पर भी आप स्लॉट अपने बुक करके टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप संडे को जब खाली रहते हैं तब आप वहाँ पर RTO में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो ये दो बड़े फैसले किए गए हैं ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप रात में भी टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप आने वाले दिनों में संडे को भी टेस्ट दे सकते हैं जब आप खाली रहें। तो ये सारी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए लागू की जा रही हैं। कुछ यही दो नए नियम हैं, ये सबसे पहले दिल्ली NCR में लागू कर दिए गए हैं, जल्द ही ऑल ओवर इंडिया में सभी राज्यों में इसको लागू किया जाएगा अगर ये सफलतापूर्वक वहाँ पर रन कर लेता है तो नियम। तो ये नियम से आपको क्या सीखने को मिलता है और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, RTO, परमिट, फिटनेस से संबंधित, अपने क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।